हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश, आपका अपना चैनल गोम में जब अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JSSC सीजीएल सचिवालय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 के बारे में। यह फ्रेंड सभी 120 क्वेश्चन का जो आपका PDF अब आंसर आपको मिल जाएगा फ्रेंड। जहाँ फ्रेंड इसके लिए आप लोग टेंशन ना लें कि सर PDF दीजिएगा कि नहीं। जहाँ 120 क्वेश्चन टोटल आपका PDF मिलेगा, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको PDF सहित मिल जाएगा और इसका आंसर भी मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका जो 120 क्वेश्चन में आपका जो जितना भी झारखंड का क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड। थोड़ा बहुत होगा तो साइंस का क्वेश्चन भी डील कर लेंगे। तो इसमें हम लोग वीडियो में बात करने वाले सिर्फ झारखंड का क्वेश्चन बात करेंगे। आपका जो है 2012 का जो है 120 क्वेश्चन का PDF और उसका आंसर की जो है आपको हम दे देंगे। वीडियो का अंत में बताएंगे आपको कहाँ से मिलने वाला है फ्रेंड। तो वीडियो को पूरा देखें और आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पूरा बेल आइकन ऑल में सेलेक्ट कर ले ताकि नोटिफिकेशन पल पल आप सबको पहुंचे। देखिए फ्रेंड, आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नए तो प्लीज़ इसको लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए फ्रेंड, ज़्यादा लेट नहीं करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, यह यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल नॉलेज सामान्य प्रारंभिक परीक्षा की है और इसे कोड क्वेश्चन कोड नंबर है ए है। जी हाँ फ्रेंड, ए जब आप आंसर मिलाइएगा तो ए वाला के ही मिलाइएगा, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। नीचे स्क्रोल डाउन करते हैं फ्रेंड। जैसे जानते हैं आपको दोस्तों कि 120 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगी और 2012 में भी 120 ही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए फ्रेंड, इसका पहला प्रश्न है आपका जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 देखते हैं। सिर्फ साइंस और आपका जो है झारखंड का ही डील करने वाला है, तो इसलिए देखिए फ्रेंड वीडियो ताकि लंबा ना हो। 4 नंबर का बोला है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे जानते हैं विद्युत मोटर आपका डी हो जाएगा। विद्युत धारा चुंबक के प्रभाव पर विद्युत धारा आपका जो है विद्युत मोटर कार्य करती है। नेक्स्ट आपका देखते हैं दोस्तों 5 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर में आपका क्वेश्चन कहा गया है कि किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नवाजा गया था। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सी नंबर, भोगला सोरेन। जी हाँ दोस्तों, भोगला सोरेन को ही आपका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार राही रावण कान के लिए दिया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जनजाति द्वारा समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के किस जनजाति लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाते हैं, तो इसका हो जाएगा संथाल। जी हाँ दोस्तों, संथाली जो है जनजाति जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ 13 नंबर में आपका पूछा गया है। यहाँ देखिए यहाँ पर 13 नंबर, सिलवासा निम्न में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो सिलवासा क्या, जैसे जानते हैं दादर नगर हवेली की जो है राजधानी है सिलवासा। और जैसे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश और दो हो चुका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर पूछा गया, किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिले और छोटानाग को मिलाकर झारखंड का स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा 17 का बी, 1995 में दोस्तों 1995 है जो 18 जिले और छोटे नागपुर मिलाकर झारखंड के परिषद गठन का किया गया था। नेक्स्ट आपका देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है फ्रेंड। 21 नंबर, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन का साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था। तो 21 का क्या हो जाएगा एक, ये हो जाएगा 1929 को जो है आपका झारखंड राज्य के मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, साइंस का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर 24, कौन सी रक्त वाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरे रक्त की आपूर्ति करती है। तो कौन सी रक्त वाहिनी है फ्रेंड, तो 24 के जो आपका जो है सी हो जाएगी, हृदय धमनी। जी हाँ, सो हृदय धमनी जो है वो रक्त वाहिनी हृदय को द्वारा ऑक्सीजन से भरे रक्त की आपूर्ति करती है। चल हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 25 को देख लेते हैं फ्रेंड। 25 का है, झारखंड के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र अधीन आता है। जी हाँ फ्रेंड, 25 का हो जाएगा सी हो जाएगा 29.61% जो है आपका झारखंड में कुल वन का प्रतिशत है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका 33 में है, यहाँ पर है 33।
33 देखिए, 1771 में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? जी हाँ फ्रेंड, इसका बहुत ही अच्छे आपका जो है क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका जो हो जाएगा तिलका मांझी। जी हाँ सो तिलका मांझी जो है विद्रोह है, सबसे पहले 1771 में संथाल जनजाति क्षेत्र में जमींदार और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था तिलका मांझी विद्रोह। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड, 37 नंबर है, 11वीं पंचवर्ष योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 11वीं पंचवर्ष योजना दोस्तों आपका जैसे जानते हैं 2007 में, बी नंबर हो जाएगा, 2007 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखिए। देखिए फ्रेंड, यह सब क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको जो है आपको ये इसे ध्यान में रखना है कि जैसे कैसा क्वेश्चन पूछता है सचिवालय के लिए, ऐसे आप लोग उस हिसाब से आप लोग पढ़ पढ़ के अपना तैयारी बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 41 नंबर जो आपका है कि सन 1855 में किन दो भाइयों के नृत्य में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो 41 नंबर का जैसे जानते हैं ए नंबर होगा सिद्धू सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। तो यह आपका जो 1885 में हुआ संथाल विद्रोह फूट पड़ा था, तो ये बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट आपका देखिए 42 नंबर, 42 नहीं फ्रेंड, 42 भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। यह एक कंप्यूटर की है। स्लाइड शो में निम्न में से कौन सी शॉर्ट कुंजी है? तो शॉर्ट कुंजी पूछा है फ्रेंड, तो इसका क्या हो जाएगा 42 का, तो इसका हो जाएगा F5। F5 जो है आपका शॉर्ट कुंजी है स्लाइड शो के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 42 के बाद आपका जो है 50 नंबर। जी हाँ फ्रेंड, 50 नंबर में आपका फिर आपको जाना है, तो चलते हैं 50 नंबर। यहाँ पर देखिए 50 नंबर आया है, ये भी आप कंप्यूटर का ही है फ्रेंड, तो देख लेते हैं थोड़ा कंप्यूटर का भी। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने डेस्क के द्वारा खोजता है, तो एक होस्ट दूसरे होस्ट को कैसे खोजता है? आईपी एड्रेस। यहाँ सो आईपी एड्रेस के द्वारा ही किसी को हम लोग खोज सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 53 क्वेश्चन नंबर। देखिए फ्रेंड, 53 में लिखा हुआ है आपका झारखंड से संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो 53 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा सी, उराव और पहाड़िया जो है आपका द्रविड़ परिवार से संबंधित है। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा फ्रेंड, तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आया दोस्तों उसको लाइक करना ना भूले। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 53 के बाद आपका दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, देखिए 56 आपका जो साइंस का है, तो किस तत्व के परमाणु संख्या देश की संख्या है? तो परमाणु संख्या देश की संख्या है, तो इसका 56 हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं साइंस यदि थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 57 नंबर, 57 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? तो झारखंड की उपराजधानी जैसे कि जानते हैं बी दुमका, दुमका झारखंड की उपराजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं आपका दोस्तों 58 नंबर देख लेते हैं, ये भी एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 58, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर के लिए एक उदाहरण है? तो वेब ब्राउजर का एक कौन सा उदाहरण है दोस्तों? तो ए ओपेरा जो है एक वेब ब्राउजर उदाहरण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 58 के बाद आपका जो है 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका आपका साइंस का क्वेश्चन है। 60 नंबर पूछा है कुकुरमुत्ता किस प्रकार का एक रोगाणु है? तो कुकुरमुत्ता एक किस प्रकार का रोगाणु है दोस्तों? पी बी हो जाएगा कवक, कवक एक प्रकार का, कुकुरमुत्ता एक प्रकार का है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 71 नंबर इसको जाना है, 71 नंबर पूछा है कि आउटपुट का कौन सा एक उपकरण है? तो इसमें पूछाना है कि कौन सा एक आउटपुट है, तो डी नंबर जो है आपको दोस्तों प्लास्टर, यह एक आउटपुट है, जैसा कि माउस कीबोर्ड और स्कैनर जानते हैं कि एक प्रकार का इनपुट है और एक प्लास्टर जो है एक प्रकार का आउटपुट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 72 देखते हैं, 72 पूछा है दोस्तों कि चित्रकला कला जोदोपीटिया किसकी विशेषता है? जी हाँ फ्रेंड, चित्रकला जोदोपीटिया किसकी विशेषता है? तो 72 काफ़ी अच्छी है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे संथाल का जो है चित्रकला जोदोपीटिया एक विशेषता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, काफ़ी अच्छी प्रश्न है फिर दोस्तों कि 76 है, भारत में कौन सा राज्य मैगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो मैगनीज सबसे ज़्यादा कौन सा उगाता है? तो उड़ीसा जो राज्य है आपका जो है मैगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांश वन क्षेत्र में आवृत है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है, तो 80 नंबर का आप जगह बी चतरा, चतरा में जो है सर्वाधिक आपका जो है वन आवृत है यानी कि आरक्षित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 84 यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड। 84 नंबर में बोला है, झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, तो आपका जो है झारखंड राज्य कब आया था दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था, इसी दिन अस्तित्व में आया था झारखंड राज्य। 84 का हो जाएगा क्या दोस्तों, सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख देते हैं, नेक्स्ट है आपका 88। तो 88 नंबर यहाँ देख लीजिए फ्रेंड, झारखंड राज्य में कितने कितने संसद के सदस्य हैं, तो झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं, इसका हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा फ्रेंड, इसके हिसाब से यहाँ पर 6 हो जाएगा, कुछ कितने हैं, 6 MP हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, देखिए साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर क्या है, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण यानी कि बी नंबर हो जाएगा गतिवर्धन, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, गतिवर्धन। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 92 नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं 92, ग्रामीण स्थानीय स्वप्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है, तो 92 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी जिला परिषद, जिला परिषद हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 94 देखिए फ्रेंड, इस आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है, तो 94 में कौन सा है, इसको हो जाएगा सीसा, सीसा सॉरी फ्रेंड, इसका जो हो जाएगा तांबा, तांबा जो है सबसे कम क्रियाशील है, 94 का जो है सी नंबर तांबा जी फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 94 के बाद आपका है दोस्तों 96, 96 में देखिए यहाँ पर झारखंड से रिलेटिव है, झारखंड में गांव की कुल संख्या कितनी है, देखिए फ्रेंड इसके हिसाब से हम बता रहे हैं, इसमें जो आपका आंसर दिया गया था अब 96 का आपका बी हो जाएगा, 32,620 गाँव है झारखंड में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, इसके बाद है 98 में देखिए यहाँ दोस्तों, 98 में निम्नलिखित में से क्या लाल लिटमस को नीला करता है, यानी कि लाल को नीला में परिवर्तित कर देता है दोस्तों, तो जैसे जानते हैं साइंस से बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, तो साइंस के यदि आपको चाहिए तो अलग से हम वीडियो बना देंगे बहुत सारा, और एक वीडियो हमने बनाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे। तो क्या है, लाल को नीला कर देता है, तो लाल को नीला कौन करता है दोस्तों, 98 का बी, तो यहाँ दोस्तों लाल को नीला क्षार करता है, ठीक है दोस्तों, और नीला को लाल करता है अम्ल, तो याद रखिएगा। चलिए 98 के बाद हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय ईंधन शोध संस्था जो प्रमुख शोध संस्था में से एक है, इसकी स्थापना 1945 में किस स्थान पर हुई थी, तो केंद्रीय ईंधन शोध संस्था की स्थापना 1945 में कहाँ हुई थी, तो 111 ए धनबाद में, यहाँ तो केंद्रीय ईंधन शोध संस्था की स्थापना धनबाद में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 104, इसके बाद दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 104 नंबर, देखिए यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बड़ी क्वेश्चन है कि 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार जंगल का अधिकार 1970 में किसके जीवन पर आधारित था, तो दोस्तों तो काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, और एक करेंट का हमको लग रहा है क्वेश्चन है, तो बी हो जाएगा बिरसा मुंडा, करेंट का ही नहीं है दोस्तों, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके जीवनी पर लिखा था, तो बिरसा मुंडा हो जाएगा इसका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आपका 106 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय पेशी बना होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हृदय पेशी से बना होता है, तो हृदय पेशी से बना होता है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, विकृत किडनी, किडनी जो है दोस्तों आपका जो हृदय पेशी से बना हुआ है, नेफ्रोन से बना होता है, किडनी विकृत हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर, इसका दोस्तों 116 नंबर आपका क्वेश्चन जाना है 116 में, झारखंड के किस जिले को भारत के अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो 116 क्या हो जाएगा, ए कोडरमा को है झारखंड का जो है अभ्रक का राजधानी के रूप में जाना जाता है, भारत का है झारखंड का,
सबका अभ्रक राजधानी आपका कोडरमा को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल हम साइंस का, जी हाँ दोस्तों, साइंस का और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का और आपका जो झारखंड का क्वेश्चन आपको डील किया है फ्रेंड। और इसका जो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप, जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो लिंक में क्लिक करना है, वहाँ से आपको जो टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। जी हाँ सर, पीडीएफ इसका पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ होगा, इसका आंसर भी होगा। जी हाँ फ्रेंड, 120 क्वेश्चन का हम लोग आंसर भी इसका डाले हैं दोस्तों। तो 120 क्वेश्चन का आपका आंसर और विथ क्वेश्चन पूरा वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड। यहाँ तक है जेएसएस से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ होता है दोस्तों, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो प्लीज़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और एनी प्रॉब्लम और कुछ भी आपको डिस्कशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखें। हर एक हम लोग जो है कमेंट का जवाब देना देते हैं फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। रहा बात साइंस का, आपका जो है साइंस का, यदि आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो साइंस का वीडियो में हम एक बनाए हैं फ्रेंड, तो वहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे देंगे, वहाँ से साइंस का आप लोग जाके वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ चैनल पर इसी तरह बने रहें, वीडियो पसंद आए दोस्तों उसको लाइक करें, और चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।